क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गृह जिला का मुख्य अस्पताल है, मगर विडंबना ये है कि लंबे अरसे से जिला बिलासपुर की जनता को डॉक्टरों के अभाव के चलते बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गृह जिला का मुख्य अस्पताल है, मगर विडंबना ये है कि लंबे अरसे से जिला बिलासपुर की जनता को डॉक्टरों के अभाव के चलते बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। जबकि वर्तमान समय में प्रदेश में भाजपा की प्रदेश सरकार सत्तासीन है, लेकिन डॉक्टरों की कमी को दूर नहीं करना आम जनता की नजरों में रास नहीं आना स्वाभाविक है। अगर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर की बात की जाए तो जो इस अस्पताल में डॉक्टरों के पद करीब 70 वर्ष पूर्व 25 पद स्वीकृत हुए थे, जिनमें से भी मात्र करीब 20 ही डॉक्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ निजी कारणों से अवकाश पर हैं। इतना लंबा अरसा बीत जाने के उपरांत भी जनसंख्या के हिसाब से नए पद स्वीकृत नहीं होना जिला बिलासपुर की जनता के लिए किसी बड़े दुर्भाग्य से कम नहीं है। इस अस्पताल में जिला बिलासपुर की जनता के अलावा समीपवर्ती जिलों की जनता भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने आती है। जब डॉक्टरों को किसी विभागीय बैठक में या अपने निजी काम से अवकाश पर जाना पड़े तो ओपीडी में ताला लग जाता है, जबकि लोग दूर दूर से अपना उपचार करवाने पहुँच जाते हैं। एक एक डॉक्टर को 100 से 150 मरीजों का चेकअप करना आम बात है, जबकि नियमानुसार एक डॉक्टर को एक दिन में 30 से 40 मरीज अटेंड करने होते हैं। जिला बिलासपुर की जनता का सरकार से आग्रह है कि शीघ्र जनहित में डॉक्टरों के पद जनसंख्या के हिसाब से सृजित किए जाएं। मैं बीजड़ से आई हूँ जी, 7 बजे से बैठे हैं यहाँ। मेरा नाम अरोरमा देवी है और बच्चे को चेक कराने आए हूँ। स्कूल भी है, कोई भी डॉक्टर नहीं है यहाँ, और सुबह से बैठे हम परेशान है। हमने कुछ ना खाया ना कुछ पिया है। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? डॉक्टरों की यहाँ मांग, डॉक्टरों से यहाँ जी इतने दूर से आए हैं, इतने परेशान है दुनिया, इतने बच्चे लेके बैठे हैं सब। सर मैं घंटीर से आया हूँ और मेरी बेटी बीमार है, और मैं लगभग सुबह 7:30 बजे यहाँ पहुँच गया था। हमने अपनी पर्ची बना करके 10 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं आया। और जिला अस्पताल में अगर ये हाल है तो इससे तो मरीज जो है बिल्कुल बेहाल हैं, और यहाँ इतना बुरा आलम है कि बेड पे से जो मरीज हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं। जब हम किसी को कुछ क्यों बड़े पूछते हैं, मगर डॉक्टर पता नहीं कब आएगा, है ना। तो इस प्रकार से दुर्दशा को देखते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का गृह जिला है, अब क्या मांग सरकार से करना चाहेंगे? हम सरकार से मांग यही करते हैं कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और यहाँ डॉक्टर का तुरंत प्रबंध किया जाए। जो लोग दुखी होकर के आते हैं उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ तो मिल सके इस समय के ऊपर, ताकि उनके वो अपने रोगियों के बारे में थोड़ा उनको रिलीफ महसूस हो सके।